हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं बोर्ड क्लास 11th के लेसन सेकंड फॉरगेटिंग, जो कि रॉबर्ट लिन ने लिखा है, इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूं। इसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो यहां पर जो रॉबर्ट लिन है वो बात शुरू करते हुए कहते हैं, ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स एंड नाउ ऑन सेल एट ए ग्रेट लंडन स्टेशन हैज बीन पब्लिश्ड। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो रेलवे में यात्रा करने वाले हैं वो जो सामान खो देते हैं उस सामान को लंदन के एक बड़े स्टेशन पर सेल किया जा रहा है, और क्या क्या आइटम है उसकी लिस्ट हमारे सामने पब्लिश हो चुकी है। एंड मैनी पीपल हु रीड इट, और बहुत सारे लोग जिन्होंने ये लिस्ट देखी है, हैव बीन एस्टोनिश्ड एट द एब्सेंट माइंडनेस ऑफ देयर फेलोज। जिन लोगों ने ये लिस्ट पढ़ी है वो ये देखकर हैरान हो गए हैं कि उनके जो साथी हैं वो कितने ज़्यादा भुलक्कड़ हैं। इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, अगर इस सब्जेक्ट पर हमें आंकड़े मिल जाएं, हाउ एवर फिर भी आई डाउट वेदर इट वुड बी फाउंड दैट एब्सेंट माइंडनेस इज कॉमन। अगर इस टॉपिक पर यानी कि इस एब्सेंट माइंडनेस इस भुलक्कड़पन पर हमें आंकड़े मिल जाएं, तब भी मुझे इस बात का शक है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि भूलना एक साधारण बात है। इट इज द एफिशिएंसी rather than the inefficiency of human memory। भूलना तो हमारे इंसानी दिमाग की, हमारी याददाश्त की कुशलता, एफिशिएंसी का प्रतीक है, ना कि इनएफिशिएंसी, अयोग्यता का। दैट कंपेल्स माई वंडर, ये जो बात है ये मुझे हैरान कर देती है कि याद भूल जाना जो है वो तो हमारे दिमाग की एफिशिएंसी है। मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स, आजकल के लोग तो टेलीफोन के नंबर भी याद करते हैं। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के एड्रेस भी याद करते हैं। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, वो तो द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, गुड विंटेज का मतलब है कोई जिस दिन उसने अच्छी शराब पी थी, तो वो अच्छी शराब पीने वाले डेट्स को भी याद करता है। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर, वो लंच और डिनर की अपॉइंटमेंट्स टाइमिंग को भी याद करता है। हिज मेमरी इज क्राउडेड विद द नेम्स ऑफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस एंड क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड मर्डरर्स। उसकी याददाश्त में फिल्मों के हीरो हीरोइंस, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, यहाँ तक कि हत्यारे, मर्डरर्स का नाम भी शामिल होता है। He can tell you, आपको बता सकता है कि what the weather was like in a long past August and the name of the provincial hotel at which he had a vile meal during the summer। वो आपको ये भी बता सकता है कि पिछले महीने अगस्त के महीने में मौसम कैसा था, और वो आपको उस लोकल होटल का नाम भी बता सकता है जहाँ गर्मियों में उसे अच्छा खाना नहीं मिला था, बेकार खाना मिला था। इन हिज ऑर्डनरी लाइफ, अपनी आम जिंदगी में दोबारा, ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, वो हर उस चीज को याद रखता है जिसकी उसे याद रखने की उम्मीद की जाती है। हाउ मैनी मैन इन ऑल लंदन फॉरगेट ए सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लोथिंग व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग। पूरे लंदन में कितने लोग ऐसे होंगे जो सुबह तैयार होते वक्त कोई सिंगल आइटम यानी कि कोई टाई पहनना या जूते जुराबे पहनना भूल जाते होंगे। नॉट वन इन हंड्रेड, 100 में से कोई एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा।
Perhaps not one in 10,000, 10,000 लोगों में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो सुबह सुबह कोई चीज पहनना भूल जाता होगा. How many of them forget to shut the front door when leaving the house? कितने लोग ऐसे होंगे जो घर जाते समय घर का मेन दरवाजा बंद करना भूल जाते होंगे. Scarcely, बड़ी मुश्किल से बहुत कम लोग भूलते होंगे, कोई ही होगा. And so it goes on through the day, और सारा दिन ये बात चलती रहती है. Almost everybody remembering to do the right things at the right moment till it is time to go to bed. हर व्यक्ति सारा दिन वो हर बात को जो सही टाइम पर जो सही बात उसको करनी है, सही काम जो उसे करना है वो उसको करना याद रखता है. एंड द ऑर्डिनरी मैन, और वो आम आदमी जो है, सेल्डम इट फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स, और वो व्यक्ति ऊपरी मंजिल पर जाने से पहले शायद ही कभी लाइट्स को बंद करना भूलता है. देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, सम मैटर इन रिगार्ड टू विच The memory works with less its usual perfection. ये मान लेना चाहिए, it must be admitted, ये मान लेना चाहिए कि कुछ बातों में हमारी जो याददाश्त है वो कम काम करती है, यानी हम कुछ बातें हम भूल जाते हैं. It is only a very methodical man, I imagine, who can always remember to take the medicine his doctor has prescribed for him. अब यहाँ वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो नियम से चलने वाले, बहुत ही नियम से चलने वाले लोग हैं, केवल वो ही अपने डॉक्टर की लिखी हुई दवाई को हमेशा लेना याद रखते होंगे. इट इज द मोर सरप्राइजिंग, ये तो और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है, बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर, क्योंकि दवाई लेना तो सबसे ज़्यादा याद करने वाली बात है. एज ए रूल, नियम है, इट इज सपोज टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील, क्योंकि हमें ये यूं ही याद रखना है कि खाना लेने से पहले ही लेनी है या खाना खाने के बाद लेनी है. एंड मील इटसेल्फ शुड बी रिमाइंडर ऑफ इट, और ये बात हमें खाने से याद आ जाएगी, क्योंकि हमें तो यही याद रखना है कि या तो खाने से पहले दवा लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने के साथ लेनी है, और खाने से हमें यह बात याद आ जाएगी. द फैक्ट रिमेन्स हाउएवर, हालांकि बात यह है, दैट फ्यू बट द मोरल जियांट्स रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, कि जो मानसिक रूप से मजबूत, जिनकी मेंटल मेमोरी है, वो ही लोग अपनी दवाई को रेगुलर लेना याद रखते हैं. जो लोग नैतिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वही अपनी दवा लेना याद रखते हैं. मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक है, टेल अस दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, वो हमें बताते हैं कि हम चीजों को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम चीजों को भूलने की इच्छा रखते हैं. And it may be that it is because of their antipathy to pills and potions. और वो इसलिए है क्योंकि उन्हें गोलियों और मरहम वगैरह से नफरत होती है, उन्हें पोशन मिक्सचर वगैरह से नफरत होती है, इसलिए वो दवाई को लेना भूल जाते हैं. That many men fail to remember that at the appointed hours. और कुछ लोग जो है वो उन्हें जो उसका अपॉइंटेड टाइम है, यानी कि खाने से पहले या खाने के साथ या खाने के बाद, हम वो टाइम पर दवाई लेना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें गोलियों से और मिक्सचर से नफरत होती है. दिस डज नॉट एक्सप्लेन, ये नहीं बताता, हाउएवर, हाउ इट इज दैट ए लॉन्ग लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसन Like myself is as forgetful of them as who take them most unwillingly. इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि मेरे जैसा जिंदगी भर दवाई लेने वाला आदमी इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है,
जितने कि वो आदमी होते हैं जो दवाइयों को बेमन से लेते हैं। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवाइज्ड क्योर ऑल डिलाइट्स मी। जब कोई नई और बहुत ज्यादा जिसका विज्ञापन आए ऐसी दवाई मुझे बहुत ज्यादा खुश करती है। येट इवन इफ आई हैव द स्टफ्स इन माय पॉकेट, अगर मेरी पॉकेट में दवाई हो, आई फॉरगेट अबाउट इट एज सून एज द ओवर अप्रोच एट विच आई ओट टू स्वेलो इट। जिस वक्त मुझे दवाई को निगलना होगा मैं उस टाइम उस दवाई को भूल जाता हूँ। केमिस्ट मेक देयर फॉर्चून्स आउट ऑफ मेडिसिन पीपल फॉरगेट टू टेक। केमिस्ट उन्हीं दवाइयों से पैसा बनाते हैं जिन्हें लोग लेना भूल जाते हैं। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, सबसे आम जो भूलना है, भुलक्कड़पन है, आई सपोज अकर इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। जब हम लेटर को पोस्ट करना हो तब हम सबसे ज्यादा भूल जाते हैं। सो कॉमन इज इट दैट आई एम ऑलवेज रेलुकेंट टू ट्रस्ट ए डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पोर्टेंट लेटर। ये तो इतनी ज़्यादा कॉमन है कि मैं कभी भी किसी जाते हुए जो कोई पर्सन मुझसे मिलने आया हो मैं उस पर्सन को कभी भी ये नहीं कहता कि भैया मेरा ये एक इम्पोर्टेंट लेटर है तुम इसे पोस्ट कर देना। सो लिटिल आई डू रिलाई ऑन हिज मेमरी दैट आई पुट हिम एन ओथ बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम। इसके लिए मैं उसकी जो मेमोरी है उस पर बहुत कम विश्वास करता हूँ, इसलिए लेटर देने से पहले मैं उसे एक कसम खिलाता हूँ कि तुम्हें ये कसम है तुम ये लेटर जरूर पोस्ट करना। एज फॉर माई सेल्फ एनी वन हु आस्क्स मी टू पोस्ट ए लेटर इज ए पुअर जज ऑफ करेक्टर। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, अगर मैं उस लेटर को मेरे हाथ में भी पकड़ लूँ, आई एम ऑलवेज पास द फर्स्ट पिलर बॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई ओट टू हैव पोस्टेड इट। अगर मैं उस लेटर को अपने हाथ में भी पकड़ लूँ तो भी मैं हमेशा जो पहला लेटर बॉक्स है उसको पार कर जाता हूं, फिर मुझे याद आता है कि ओहो मुझे तो ये लेटर पोस्ट करना था। वियरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड आई पुट देन पुट इन सेफ्टी इन टू वन ऑफ माई पॉकेट एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट। अब मैं इसको हाथ में पकड़े पकड़े थक जाता हूं, इसलिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेटर को अपनी जेब में डाल लेता हूं और फिर तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भूल जाता हूं। आफ्टर दैट इट हैज एन एडवेंचरस अनएडवेंचरस लाइफ टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस लीड्स टू ए नंबर ऑफ इम्प्रेसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट। इसके बाद मैं लेटर को बिल्कुल भूल जाता हूं और ये मेरी जेब में पड़ा हुआ छिपा रहता है, और इसके बाद में जब मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब मैं अपने अपराध के प्रूफ के रूप में इस लेटर को अपनी जेब से निकालता हूं। दिस इट माइट बी थॉट मस्ट बी ड्यू टू ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर। ऐसा ये भी सोचा जा सकता है कि मुझे दूसरों के लेटर डालने में कम इंटरेस्ट हो, बट दैट कांट बी एक्सप्लेन फॉर आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ फ्यू लेटर्स दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट। पर फिर ये भी होता है कि मैं कुछ अपने लेटर्स को भी पोस्ट में डालना भूल जाता हूँ जिन्हें मैंने खुद याद करने के लिए लिखा था। एज फॉर लिविंग ट्रेन्स आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड टैक्सीज, अगर आप बात करते हैं कि हम ट्रेन और टैक्सी में चीजें छोड़ देते हैं, आई एम नो ग्रेट डेलिक्वेंट इन सच मैटर्स, तो इन मामलों में मैं भी बहुत अपराधी हूं। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सपेक्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स।
मुझे किताबें और जो वॉकिंग सी घूमने की छड़ियां हैं वो मुझे हमेशा, उनके अलावा मैं किसी भी चीज़ को याद रख सकता हूँ। मैं तो किताबों को भी याद रख सकता हूँ, वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम एंड आई बाय देम फ्रिक्वेंटली, बट नो सूनर डू आई पे ए विजिट टू फ्रेंड्स हाउस और गो ए जर्नी इन ए ट्रेन देन अनदर स्टिक इज ऑन इट्स वे इन टू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट। घूमने की छड़ी को तो मुझे हमेशा याद ही नहीं रहता, मुझे घूमने की छड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसे ओल्ड फैशन मानता हूँ, मैं इसे लगभग खरीदता रहता हूँ। जैसे ही मैं किसी फ्रेंड के घर उससे मिलने जाता हूँ या ट्रेन से कोई यात्रा करता हूँ, वैसे ही वो छड़ी खो जाती है और उसकी जगह पर नई छड़ी आ जाती है। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लूजिंग इट। मैं छाता खो न जाए इस डर से कभी भी छाता अपने साथ लेकर नहीं चलता। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला हैज इवन द ग्रीमेस्ट जाज अम्ब्रेला कैरियर एवर अचीव्ड दिस। बिना छाता खोए हुए पूरा जीवन व्यतीत करना सिर्फ वही बंदा पूरी जिंदगी निकाल सकता है बिना छाता खोए हुए, जो छाते को अपने दांतों से पकड़ कर रखे, मतलब उसके प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल हो, वही छाता नहीं घुमाएगा, आम आदमी का छाता तो घूम जाता है। फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ ऐसे हैं, हाउएवर हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी ऑन आवर ट्रेवल्स थ्रू फॉरगेटफुलनेस। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भूलने की आदत के कारण रास्ते में बहुत सारी प्रॉपर्टी खो देते हैं। द ऑर्डिनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन विद ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक सेफ। आम आदमी तो जहां उसको पहुंचना होता है वहां अपने सारे बैग और ट्रंक संदूक को सेफली लेकर पहुंच जाता है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर सजेस्ट that it is the young rather than adult who forget things. अगर पूरे साल में ट्रेन में जो सामान खोया हुआ है उसकी लिस्ट हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि adults के बदले young people जो हैं वो चीज़ों को ज़्यादा भूल जाते हैं। And the sportsmen और खिलाड़ी हैं have worse memory than their ordinary serious minded fellows। और जो खिलाड़ियों की जो मेमोरी है वो तो आम जनता के अलावा के मुकाबले बहुत कमज़ोर होती है, खिलाड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलते हैं। ए कंसिडरेबल मेंबर्स ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट बैट्स फॉर इंस्टांस वर फॉरगॉटन। बहुत सारी फुटबॉल और क्रिकेट की गेंदें भुला दी गई। दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर बॉयज रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फिल्ड विद ए विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड्स एंड देयर हेड्स आर अमंग्स द स्टार्स और देयर हार्ट्स आर इन देयर बूट्स एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट और देयर एरर्स। इस बात को समझना आसान है कि लड़के जब खेल के मैदान से वापिस लौटते हैं तब उनके दिमाग में या तो खेल के मैदान के सपने होते हैं या उनके दिमाग में उनके जो स्टार्स होते हैं, जो उनके आइडियल खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं, या उनके दिमाग में अभी तक उनकी उनकी जो उपलब्धि है या उनकी जो गलतियां हैं वो होती हैं। दे आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम। वो तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। मेमरीज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोजिक थिंग्स एज टेक द बॉल और बैट विद देम व्हेन दे लीव द ट्रेन। और यादों के कारण जब वो ट्रेन को छोड़ते हैं तो वो बैट या बॉल जैसी साधारण और आम चीजों को भूल जाते हैं। फॉर रेस्ट ऑफ द डे, बाकी दिन दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीम लैंड। वो तो सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। दम सेम मे बी सेड नो डाउट ऑफ एंग्लर्स हु फॉरगेट देयर फिशिंग रोड्स। और यही बात उन मछली पकड़ने वाले मछुआरों के बारे में कही जा सकती है जो कि अपनी फिशिंग रोड अपने कांटों को भूल जाते हैं।
एंग्लर्स आर जनरली सेड आई डोंट नो विद व्हाट जस्टिफिकेशन टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन एंड द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिकेंट लाइज इन जर्नी होम आफ्टर ए डेज ऑफ फिशिंग इज बाउंड टू बी ए लिटिल एब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर। मछुआरों के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा कल्पना में खोए हुए होते हैं। मैं नहीं जानता ये बात कहाँ तक सही है कि जो आदमी सारा दिन मछली का शिकार करके घर लौटता है और वो सारा दिन अपनी यात्रा के बारे में झूठ बोलता है, वो अपनी बातचीत में थोड़ा सा तो भूल जाता होगा। द फिशिंग रोड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन बाय हिम एज ही ड्री ड्रीम्स ओवर द फियर्स ऑफ फिशिंग रोड ऑफ यूटोपिया। अब जब वो जब अपने डे ड्रीम्स अपने सपनों में खोया हुआ होता है तो उसके पास में जो वास्तविकता की फिशिंग रोड है वो उसको भूल जाता है, वो सारा दिन सपने देखता रहता है। हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज रियली ए ट्रिब्यूट टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज एंजॉयमेंट इन थिंकिंग अबाउट द डे स्पोर्ट। वो तो सारा दिन जो उसने दिन में इंजॉय किया था वो उस इंजॉय के बारे में सोचता रहता है और इसी इंजॉय के कारण वो भूल जाता है कि उसने अपनी फिशिंग रोड कहाँ रखी है। ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रोड, वो अपना मछली पकड़ने का कांटा भूल सकता है। एज द पोइट मे फॉरगेट टू पोस्ट ए लेटर, जैसे कि एक कवि एक लेटर पोस्ट करना भूल जाता है। बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड अप विद मोर ग्लोरियस मैटर, क्योंकि उसके दिमाग में तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही होती है। एब्सेंट माइंडनेस इज वन ऑफ दिस काइंड सीम्स टू मी ऑल बट ए वर्च्यू, इस तरह का भूल जाना तो मुझे एक खासियत दिखाई देता है। द एब्सेंट माइंडेड मैन इज ऑफन ए मैन हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ एंड देयर फोर हैज नो टाइम टू रिमेंबर द मेडिकोर। भूल जाने वाला आदमी तो वो होता है जो अपनी जिंदगी का फुल इंजॉय कर रहा होता है, इसलिए इसको आम बातों को याद करने का टाइम ही नहीं होता है। Who would have trusted Socrates or Coleridge to post a letter? आप बताओ कि सुकरात या कोलरिज को एक लेटर पोस्ट करने पर कौन विश्वास करता? They had souls above such thing. उनके मन में तो इससे भी ज्यादा बड़ी बातें थी। The question whether the possession of a good memory is altogether desirable has been often discussed. ये जो एक प्रश्न उठता है कि अच्छी स्मरण शक्ति होना अच्छी बात है या बुरी बात है। एंड मैन विद फैलिएबल मेमरीज हैव बीन समटाइम्स ट्राइड टू मेक आउट ए केस ऑफ देयर सुपीरियरिटी। जो लोग किसी बात को भूल जाने में गलती करते हैं, मतलब उनको सारी बातें याद रहती हैं, वो अपनी जीनियसनेस प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। A man, they say, who is perfect remembering machine is seldom a man of first intelligence. And they quite various case of children or men who had marvelous memories and who yet no intellect to speak of. जो आदमी मशीन की तरह हमेशा हर बात याद रखता है वो शायद ही कोई इंटेलिजेंट पर्सन हो। और वे कुछ ऐसे बच्चों और लोगों के उदाहरण देते हैं जिनकी मेंटल मेमोरी बहुत शानदार थी पर उनमें बुद्धि इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं थी। आई इमेजिन हाउएवर ऑन द होल द ग्रेट राइटर्स एंड ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक हैव बीन मैन विद एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरीज। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि जो महान राइटर और जो महान कवि हैं उनके अंदर जबरदस्त मेमोरी थी। द पोइट्स आई हैव नोन had better memories than the stock brokers. वो कवि जिन्हें मैं जानता हूँ उनकी याददाश्त स्टॉक ब्रोकर से ज़्यादा अच्छी है। Memory indeed is half the substance of their art. जो मेमरी है वो उनकी कला का आधा ही हिस्सा है। On the other hand, statesmen seem to have extraordinary bad memories. जो नेता होते हैं
उनकी यादें, उनकी याददाश्त बहुत कम होती है. लेट टू स्टेट्समैन अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट व्हाट हैपेंड फॉर एग्जांपल एट कैबिनेट मीटिंग एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू दैट अदर स्टोरी इज सो इनएक्यूरेट दैट आइदर ही इज ए मेमोरी लाइक ए सीव और एन ऑडिशियस परवर्टर ऑफ द ट्रूथ. आप दो नेताओं को ले लो और उन्हें कहो कि पिछली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ था, तो हर एक आदमी यही बताएगा कि दूसरे की कहानी इतनी गलत है, या तो इसका जो दिमाग की याददाश्त है ना वो एक छलनी के समान है, या यानी कि ये बात बहुत सारी बातें भूल गया है, या इसने बड़ी हिम्मत से सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है. द फ्रीक्वेंसी विद विच द फैक्ट्स इन द ऑटोबायोग्राफीज एंड स्पीचेस ऑफ स्टेट्समैन आर चैलेंज suggest that the world have not yet begun to produce idle statesmen who great poets have genius of you and your intellect combined. राजनेताओं के भाषण और उनकी आत्मकथाओं में जिस तरह से फैक्ट्स को चुनौती दी जाती है वो बात हमें ये बताती है कि दुनिया में अभी ऐसे नेता पैदा नहीं हुए जिनके पास में बहुत जबरदस्त याददाश्त और बुद्धि दोनों हो. एट द सेम टाइम ऑर्डिनरली गुड मेमोरी इज सो कॉमन दैट वी रिगार्ड ए मैन हु डज नॉट पोजेस इट एज इसेंट्रिक. वैसे नॉर्मली अच्छी याददाश्त एक ऐसी आम बात है कि जिन लोगों के पास अच्छी याददाश्त नहीं है उन्हें हम सनकी मान लेते हैं. I have heard of a father, मैंने एक ऐसे बाप के बारे में सुना है, having offered to take the baby out in perambulator, was tempted by the sunny morning to pass on his journey and slip into a public house for a glass of beer. मुझे एक ऐसे बाप के बारे में पता है जो अपने छोटे से बच्चे को छोटी सी गाड़ी में बैठा कर बाहर घुमाने ले जा रहा था और रास्ते में धूप के कारण उसे एक गिलास बियर पीने की इच्छा हुई तो वो छोटी गाड़ी को बाहर छोड़ गया एंड ही डिसअपीयर्ड थ्रू द डोर्स ऑफ सैलून बार्स. और वो जो सैलून बार जो वो बार थी उसके दरवाजे के अंदर चला गया. ए लिटिल लेटर हिज वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग विच टुक हर पास द पब्लिक हाउस. थोड़े टाइम बाद उसकी वाइफ को कोई शॉपिंग करनी थी उसको वाइफ को शॉपिंग करनी थी और उसने वहां से वो वहां से गुजरी और वेयर टू हर हॉरर शी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी, जहां उसे अपना सोता हुआ बच्चा मिला. इंडिजेंट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर, अपने हस्बैंड के बिहेवियर पर गुस्सा आकर शी डिसाइड टू टीच हिम ए लेसन, उसने उसको सबक सिखाने की सोची. शी व्हील्ड अवे द पेरम्बुलेटर पिक्चरिंग टू हर सेल्फ हिज टेरर व्हेन ही वुड कम आउट एंड फाइंड द बेबी गोन. तो उसने अपने दिमाग में एक चित्र बनाया कि जब उसका हस्बैंड दारू पीकर बाहर आएगा और वो यहाँ देखेगा कि बच्चा नहीं है तो वह गाड़ी को कहीं और लेकर चलेगी. शी अराइव्ड होम, वो घर आ गई एंटिसिपेटिंग विद एंग्री रैलिश द वाइट फेस एंड क्वीरिंग लिप व्हाट वुड सीन अपीयर विद द न्यूज दैट बेबी हैड बीन स्टोलन. अब उसने सोचा कि उसका हस्बैंड गुस्से में आएगा, उसका चेहरा सफेद हो गया और कांपते हुए होठों से वो बचाएगा कि बच्चे को किसी ने चुरा लिया. व्हाट वाज हर विक्सेशन, उसे ये जानकर बड़ी समस्या हुई. व्हेन जस्ट बिफोर लंच हर हस्बैंड केम इन स्माइलिंग चीयरफुली एंड आस्किंग वेल माय डियर व्हाट इज फॉर लंच टुडे. लंच से पहले उसका हस्बैंड मुस्कुराता हुआ आया और बोला कि आज लंच में क्या है. Having forgotten all about the baby and the fact he had taken it out with him, उसे तो ये बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि वो बच्चे को अपने साथ ले गया था. How many men below the rank of a philosopher would be capable of such absent-mindedness as this? दार्शनिक से नीचे कितने लोग इस तरह की भुलक्कड़पन के रखते होंगे. Most of us, I fear, are born with prosaically efficient memories. मुझे डर है कि हम में से ज्यादातर लोगों की याददाश्त अच्छी होती है. इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता, दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली कुड नॉट सर्वाइव इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी, तो किसी भी
बड़े शहर में परिवार जैसी संस्था ना चलती। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।